नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सैट्स। पहले आज डेफिनेशंस करांगे ते एक दो सम्स भी करांगे उन्होंने डेफिनेशंस से रिलेटेड। सब तो पहला तो सैट्स चैप्टर का नाम है, डेफिनेशन करते हैं सैट होंदा की है। ठीक है, डेफिनेशन है सैट की। सैट की डेफिनेशन की है? ए सैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ए सैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मीनिंग की है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग की है, यह सैट की डेफिनेशन दे विच असी देखांगे एग्जाम्पल्स के नाल। वेल डिफाइंड का मीनिंग है कि सानू कोई एक रूल दिता होएगा जिदे नाल असी दस सकांगे कि केड़ा केड़ा एलीमेंट सैट के अंदर लाई करता पे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि सैट दे विच कोई भी एलीमेंट रिपीट नहीं हुंदा, सैट विच कोई भी एलीमेंट दो बार नहीं आ सकता। वेल डिफाइंड का मीनिंग है कि सानू कोई एक रूल है, विद दी हैल्प ऑफ रूल असी चैक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सैट नू बिलोंग करता पे या नहीं करता पे। एग्जाम्पल देखते हैं एक। फस्ट एग्जाम्पल की है द कलैक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज नॉट ए सैट। द कलैक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज नॉट ए सैट। हूँ क्यों सैट नहीं गा? क्योंकि गुड स्टूडेंट बारे सानू कोई निश्चित नहीं है, कोई डेफिनेशन कोई सानू डेफिनेट नहीं पता कि किहड़े बच्चे गुड है किहड़े नहीं है। कई बच्चे होंदे है किसी एक टीचर वास्ते वो ठीक बच्चे है, पर वो दूसरा जो कोई टीचर आ जाए तो उन्होंने तंग भी करते हैं, ये कह सकते हैं। या कह लो कि स्टूडेंट है कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट ठीक है, हो सकता वो तीसरे सब्जेक्ट विच ठीक ना हो। ठीक है, इसलिए असी कह सकते हैं कि कलैक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज नॉट ए सैट। ए मीनिंग है कि यह वैल डिफाइंड नहीं है, गुड स्टूडेंट वाली जी कंडीशन है वह वैल डिफाइंड नहीं है। सिंस द टर्म गुड स्टूडेंट, जो मैं दस्या गुड स्टूडेंट इज वेग। वेग का मतलब हुंदा अनिश्चित। ठीक है, जिदे बारे सानू कोई स्पष्टता नहीं हैगी, स्पष्टता नहीं है, अनिश्चित। सिंस द टर्म गुड स्टूडेंट इज ए वेग, इस वेग का मतलब है कि मैं दस्या तुहानू गुड स्टूडेंट बारे हो सकता है कि कोई बच्चा हैगा पर्टिकुलर एक क्लास या दो एक पीरियड दो पीरियड या तीन पीरियड विच वो ठीक होवे, हो सकता है कि एक पीरियड विच वो तंग करता होवे, या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो दो सब्जेक्ट्स या तीन सब्जेक्ट के विच कोई स्टूडेंट ठीक होवे पर एक सब्जेक्ट विच वो वीक होवे। इसलिए यह गुड स्टूडेंट की जी टर्म हैगी है यह अनिश्चित है, वेग है। एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। बट कलैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, पर जे असी कही कि किसी कॉलेज के भी जो स्टूडेंट्स है उन्होंने असी कहे कि वह सैट है, क्योंकि स्टूडेंट्स बारे असी गल करते पे हैं, सानू नहीं पता कि वह गुड स्टूडेंट इंटैलीजेंस, असी सारे स्टूडेंट्स की गल करते पे हैं किसी कॉलेज के। ठीक है, बट कलैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इज ए सैट। एक एग्जाम्पल होर है, द कलैक्शन ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ फाइव। फाइव के पॉजिटिव मल्टीपल्स का मतलब हो गया फाइव का जरा टेबल है। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मैं फाइव का टेबल चल रही हो, असी कहे कि यह जी कलैक्शन हैगी है यह सैट हैगी है, क्योंकि सानू यह निश्चित है, सानू पता है कि चीज़ आनी है, असी इतों लिख सकते हैं। पर उपली कंडीशन से सानू पता नहीं कि गुड स्टूडेंट्स किहड़े स्टूडेंट्स नू असी कहे, जिदे बारे कोई भी अनिश्चितता होवे क्लीयर ना हो कोई तो उन्होंने असी सैट नहीं कहे, जिदे बारे सानू एक पूरा क्लीयर है वो चीज़ सैट होएगी। एक एग्जाम्पल होर देखते हैं, द कलैक्शन ऑफ इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स इन इंडिया। हुण इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स बारे मैं हुणे तुहानूं समझाया, हो सकदा एक बच्चा जे असी गल करिए कि साइंस विच बच्चा वो ठीक है, हो सकदा मैथ्स विच वीक होवे। ठीक है, यह भी कह सकते हैं साइंस ते मैथ्स विच वी ठीक है, हो सकदा वो इंग्लिश विच वीक होवे।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਗ ਹੈ। ਵੇਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਗਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡੈਫੀਨੇਟ ਰੋਲ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਅਬਵ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸੈੱਟ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਸੈਟਸ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਦ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਦ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਮੰਥਸ ਆਫ ਏ ਈਅਰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਲੈਟਰ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਉ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੈੱਟ, ਦਿਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਸੈੱਟ। ਦ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 10 ਟੈਲੈਂਟਡ ਰਾਈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਈ ਟੈਲੈਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟਡ ਰਾਈਟਰਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਗ ਹੈ, ਵੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਸ ਦਾ ਟਰਮ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੇਗ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਦਿਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸੈੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ, ਏ ਟੀਮ ਆਫ 11 ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਕਈ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਗ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਬੋਆਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਕੂਲ ਯੂਅਰ ਕਲਾਸ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 100, 100 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 1, 2, 3, 4, 99 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ 99 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2, 4, 6, ਠੀਕ ਹੈ, -2, -4 ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, 2, 4, 6, 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਐਨੀਮਲਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਡੇਂਜਰਸ ਐਨੀਮਲਸ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਐਨੀਮਲ ਡੇਂਜਰਸ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਡੇਂਜਰਸ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਡੇਂਜਰਸ ਐਨੀਮਲ ਐਨੀਮਲਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਸੈੱਟਸ ਐਂਡ ਜਸਟੀਫਾਈ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਏ ਸੈੱਟ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਇਨ ਟੂ ਵੇਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ, ਟੂ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਬੂਲਰ,
और रोस्टर और इन्यूमरेशन मेथड। रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड और इन्यूमरेशन मेथड। ऐसे मेथड च किसना असी सैट नू रिप्रेजेंट करना है, डेफिनेशन देखते हैं पहला। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल इट्स एलिमेंट्स विद इन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट इस तरह पानी है, ठीक है। करली ब्रैकेट का थोड़ा ख्याल रखना है, करली ब्रैकेट थोड़ा ठीक ढंग ना पानी है, करली ब्रैकेट पानी है। सैट हमेशा करली ब्रैकेट दे विच ही रिप्रेजेंट करते हैं। जे किसी बच्चे ने इस तरह ब्रैकेट लिखी वो कोई मार्क्स कट्टे आएंगे नहीं आएंगे, इस तरह कभी ब्रैकेट नहीं पानी, करली ब्रैकेट पानी जो भी सैट्स विच पानी है, ठीक है। सारे ने दिमाग च रखना है, किसने ए वाली ब्रैकेट भी नहीं पानी, यह भी गलत हैगी है, ठीक है। ए ब्रैकेट नहीं पानी, ए भी ब्रैकेट नहीं पानी, ए वाली ब्रैकेट पानी है करली ब्रैकेट। रोस्टर फॉर्म की है, रोस्टर मेथड की है। इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल इट्स एलिमेंट्स विद इन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट इस तरह लिखी दी है, सेपरेटेड बाय कॉमास। जे एलीमेंट्स है असं करली ब्रैकेट लिखते हैं तो उन्होंने सेपरेट किया होंगे कॉमास के नाल। एक एग्जाम्पल है ए कौमा ई कौमा आई कौमा ओ कौमा यू, करली ब्रैकेट दे विच। एक एग्जाम्पल हैगी है 2 4 6 8 10, करली ब्रैकेट च। एक एग्जाम्पल हैगी है सैट नू, ये भी याद रखना, सैट नू जे असी कोई नाम देना हो हमेशा कैपीटल लैटरस दे नाल देंदा हैगा, ये याद रखना सारे ने। जदों भी तुसी किसी सैट नू कोई नेमिंग करनी है उन्होंने हमेशा कैपीटल लैटरस दे नाल, ए लिख लो बी लिख लो कुछ भी पर कैपीटल लैटर लिखने हैं। जदों भी किसी सैट नू नेमिंग करनी है हमेशा कैपीटल लैटरस दे नाल डोनेट करींदा उन्होंने, ठीक है। कैपीटल लैटरस दे नाल डिफाइन करींदा, ठीक है, सैट नू। जिस तरह एक सैट है मेरे को 1 3 5 एंड अप टू सोन। सैकेंड फॉर्म है, ये तो मेरी होगी फर्स्ट फॉर्म जिन्हों असी टेबलर रोस्टर और इन्यूमरेशन फॉर्म कहने मैथड कहने। सैकेंड फॉर्म हैगी है सैट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सैट बिल्डर फॉर्म, सैट बिल्डर फॉर्म में रूल मैथड भी कहने और सिलेक्टर मैथड भी कहने। इस मैथड के विच की होंगे, ठीक है। इस मैथड के विच असी की करते हैं, इन दिस मैथड वी डू नॉट लिस्ट ऑल द एलीमेंट्स। असी सारे एलीमेंट नहीं लिखते, बट द सैट इज रिप्रजेंटड बाय स्पैसीफाइंग द डेफाइनिंग प्रॉपर्टी। पर असी कोई प्रॉपर्टी लिख देंगे, स्पैसीफिक प्रॉपर्टी लिख देंगे विद द हैल्प ऑफ विच वी कैन से कि इस सैट विच किहड़े किहड़े एलीमेंट आ सकते हैं, ठीक है। इस मैथड के विच असी एलीमेंट्स नहीं लिखते, उपरले विच असी एलीमेंट लिखते हैं, ये असी कोई प्रॉपर्टी लिखांगे, उस प्रॉपर्टी के नाल ही सानू पता लग जाएगा कि उस सैट विच किहड़े किहड़े एलीमेंट आ सकते हैं, ठीक है। ये नाल दी एग्जाम्पल देखते हैं, सैट बिल्डर फॉर्म के नाल दी एग्जाम्पल है मेरे को। फर्स्ट है ए इज इक्वल टू एक्स, जिहड़ा ए वाला साइन हुंदा है इहनू कहिंदे सच दैट, ठीक है। ए साइन नू की कहिंदे आ सच दैट, ए नीचे मैं नोट विच लिखिया भी है, ए साइन होवे या ऐसा स्लैश जिस तरह पाते हैं दोनों का मीनिंग की है सच दैट, ठीक है। नोट विच लिखिया है दिस और स्लैश मीनस सच दैट। अच्छा डेफिनेशन एग्जाम्पल की है, एक्स सच दैट, एक्स इज ए वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबैट। ए सैट बिल्डर फॉर्म च लिखिया सी, ठीक है। अच्छा यदा मीनिंग की है, यदा मतलब लगाया कि एक्स की है, ठीक है। एक्स कोई वॉवल है, वॉवल कि इंग्लिश अल्फाबैट्स का, तो तुम नाले पता लग गया इस प्रॉपर्टी तो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी तो की पता लग गया, तेरे दिमाग दे विच आ गया कि असी वॉवल्स लेने हैं किरे ए ई आई ओ यू, पर असी वो ए ई आई ओ यू नहीं लिखांगे, उन्होंने असी कोई इस प्रॉपर्टी के नाल लिखांगे। सैट बिल्डर फॉर्म च असी एलीमेंट नहीं लिखते पर प्रॉपर्टी लिख देंगे, उहदे नाल सानू पता लग जाता कि किहड़े किहड़े एलीमेंट उहदे विच आ सकते हैं। एक होर एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स सच दैट, एक्स इज ए पॉजिटिव ईवन इंटीजर अप टू 10 तक जिन्हें भी ईवन इंटीजर आते हुए पॉजिटिव वो सारे ईवन इंटीजर किहड़े आएंगे पॉजिटिव 2 4 6 8 10, ठीक है। इस लाइन का मतलब की है, इस लाइन का मतलब है कि असी अपने दिमाग च रख लिता कि साढ़े को किहड़े किहड़े नंबर है 2 to 10 तक ईवन पॉजिटिव इंटीजर। एक और एग्जाम्पल है, एक्स सच दैट, एक्स इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। ओड पॉजिटिव इंटीजर कहे हो गए 1 3 5 7 9 11 13 एंड अप टू सोन, एंड एंड कोई नहीं है,
ठीक है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म चाहिए ऐसा कोई प्रॉपर्टी लिखिया करांगे, ठीक है, एलिमेंट नहीं लिखने, सिर्फ है प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी के नाल ही सानू पता लग जाएगा कि उस सेट विच केड़ा केड़ा एलिमेंट है। नोट दा अंदाज़ दिता है, एक एग्जाम्पल करांगे, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। पहला सेट है मेरे को एक्स स्क्वेयर माइनस 3x + 2 = 0, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। सेकेंड है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 और 7, असी कोई नंबर लेना है जरा 3 का भी मल्टीपल है तो 7 का भी मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब होंगे है असी वो नंबर लेना है जरा 3 नाल भी डिवाइड हो जाता है तो 7 नाल भी डिवाइड हो जाता है, पर वो नंबर 28 तो छोटा होना चाहिए, ठीक है। बच्चे आप भी सोच सकते हैं कोई पॉजिटिव नंबर लेना है, पॉजिटिव मल्टीपल लेना है 3 का भी तो 7 का भी, यह मतलब होंगे कि असी वो नंबर लेना जरा 3 तो 7 दोनों के नाल डिवाइड हो जाए, मल्टीपल तो डिविजिबल का मतलब यही होंगे, पर वो नंबर जरा है 28 तो छोटा होना चाहिए है। पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x + 2। बच्चों को 10th क्लास से 9th क्लास कितने फैक्टर्स बनाने का मैथड है, सब तो पहला तुम्हें फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बना के जरिए एक्स वैल्यूज निकलनगियाँ, ठीक है, इक्वल टू 0 लैके उ मेरा सैट होएगा। हूँ यदा किस तरह करना यदा सोल्यूशन, यह मैं इतने कर लगे हाँ, मेरे को लगा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x + 2 = 0। मैं इनू लैके चलागा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x + 2 = 0, ये फैक्टर्स बना लो, असी कोई दो नंबर सोचने हैं जिन्हों मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, उइयो दो नंबर नू प्लस करके या माइनस करके 3 आ जाए, तो मेरे फैक्टर्स बनेंगे 2 1s are 2। विचकार मैं किस तरह लिखागा एक्स स्क्वेयर सेम, लास्ट से 2 भी सेम लिखागा, विचकार 3x दिएगा कि लिखागा मैं -2x तो -1x, क्योंकि 2 नू 1 ना मल्टीप्लाई करांगा 2 आ जाएगा, तो 2 ते 1 प्लस करांगा तो 3 आ जाएगा। हूँ पहले दोनों चो कॉमन की आ जाएगा एक्स, अंदर बचेगा एक्स माइनस 2, अगले दोनों चो कॉमन किन्ना आएगा -1, जो बाहर माइनस हो अंदरला साइन चेंज हो जाता है, ये आएगा एक्स माइनस 2, ये भी एक्स माइनस 2 है, ये भी एक्स माइनस 2 है, यह कॉमन निकाल लो एक्स माइनस 2, दूसरी ब्रैकेट कितना आएगा मेरे को एक्स माइनस 1 जे बाहर कॉमन निकाले हुए है, ठीक है, दोनों अलग अलग 0 मन के चल पो, एक्स माइनस 2 नो अलग 0 मन के चल पैना, एक्स माइनस 1 नो अलग, इतों एक एक्स की वैल्यू मेरे को 2 आई नहीं है तो एक एक्स की वैल्यू कि आ गई 1, यदा मतलब मेरे को एक्स के आंसर कि आ गए 1 तो 2, यदा मतलब है कि मेरा जरा ए सैट होएगा, ठीक है, मेरा जरा ए सैट होएगा वह आंसर कि आएगा करली ब्रैकेट 1,2, यह मेरा आंसर है। करना भी इस तरीके सारा डिटेल करना है, रफ वर्क नहीं है, तो ये इस तरह सारा करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, एक्स दियाँ वैल्यूज निकालनी है, एक्स दियाँ दो वैल्यूज आनगी उन्होंने तुम करली ब्रैकेट लिख लो वो आंसर है, ठीक है, यह रफ वर्क ना समझना, यह सारा तुम कंप्लीट करना है। जरा अगला पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 और 7 बट लैस दैन 28, असी वो नंबर लेने हैं जे 3 और 7 के मल्टीपल हो, 3 और 7 के नाल डिवाइड हो जाए, पर 28 तो छोटा होना चाहिए, 28 तो छोटा कि नंबर है जो 3 डिवाइड भी हो जाता, 7 भी डिवाइड हो जाता होगा 21, यदा मतलब है कि सैकेंड पार्ट का असं सीधा ही आंसर लिखा बी इज इक्वल टू कि आ जाएगा 21, क्योंकि 21 3 भी डिवाइड हो जाता तो 7 भी डिवाइड हो जाता। अगली एक डेफिनेशन देखते हैं असी, मैंबरशिप ऑफ ए सैट, मैंबरशिप ऑफ ए सैट, इफ एन ऑबजैक्ट एक्स इज ए मैंबर ऑफ द सैट ए, वी राइट एक्स जरा वाला साइन होंगे ये इस तरह बच्चे ने पाना है, इनू असी कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, सही ढंग ना पाना है, इस तरीके ना पाइंद एक्स बिलोंग्स टू ए, लिखे टू बी रीड एज एक्स बिलोंग्स टू ए, जे कोई एलीमेंट ए दे विच हैगा, ए कोई सैट हैगा, जे कोई एलीमेंट एक्स ए सैट का मैंबर हैगा तो असी लिखांगे एक्स बिलोंग्स टू ए, जे ए एक्स सैट ए सैट का एक्स जरा मैंबर हैगा ए ऑबजैक्ट है, जे ए सैट का मैंबर नहीं है तो असी लिखांगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू किस तरह लिखी है, यह लिख के उन्होंने कट देता है, ठीक है, एदा मतलब है एक्स इज नोट ए मैंबर ऑफ द सैट ए, बाकी तुम एग्जाम्पल तो क्लीयर हो ना सारा, एक एग्जाम्पल है मान लो मेरे कोई ए सैट है 1 2 3 4 7 10 वो एलीमेंट है,
हूँ मैं लिख सकता वा थ्री बिलोंगस टू ए, थ्री बिलोंगस टू ए, थ्री बिलोंगस टू ए क्यों लिखे है? क्योंकि थ्री ये अंदर है। बट फाइव डज नॉट बिलोंगस टू ए, क्यों? क्योंकि फाइव ये अंदर नहीं है। सिमिलरली मैं भी लिख सकता वा सिक्स, सिक्स डज नॉट बिलोंगस टू ए। मैं भी लिख सकता वा सैवन बिलोंगस टू ए। मतलब जेड़ा एलीमेंट ये अंदर है वो वास्ते बिलोंगस टू लिख दो, तो जे नहीं कहते सैट के अंदर तो लिख दो डज नॉट बिलोंगस टू। ये नाल दी मैं एक एग्जाम्पल देन गया, तो बच्चे ने आप ही करनी है। ए सैट दिता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इनसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंगस टू और डज नॉट बिलोंगस टू। एफ फिलअप्स है फाइव डैश ए कि इतने बिलोंगस टू आना या डज नॉट बिलोंगस टू, एक तुम दस दिना वा क्योंकि जो फाइव हैगा ए सैट चाहता पे, इसलिए मैं लिखागा फाइव बिलोंगस टू ए। ठीक है, मैं कि लिखागा फाइव बिलोंगस टू ए। बाकी तुम हूँ जो फिलअप्स है सिक्स या सिक्स वो आप कंप्लीट कर लेनिया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक और, एक मेरे को एग्जाम्पल है राइट द फॉलोइंग सैट्स इन रोस्टर फॉर्म, इन्हों मैं रोस्टर फॉर्म च लिखना है। ठीक है, चार एग्जाम्पल्स है, फिर तुम समझ देवगा रोस्टर फॉर्म के नाल। तीन एग्जाम्पल्स है, फस्ट सैकेंड थर्ड, पहली हैगी है फस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे को लगा ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंगस टू एन, याद रखना एन किनू कहते हैं, एन का मीनिंग होंगे नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबर कितों शुरू होंगे? वन तो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू सोन, एंड कोई नहीं होंगे, यह नैचुरल नंबर है। सच दैट एक्स स्केयर इज इक्वल टू 25, यह साढ़े को फस्ट एग्जाम्पल हैगी है। इनू सोल्व करके देखते हैं, पहले इनू लेके चलेंगे। एक्स स्केयर इज इक्वल टू कि 25, जे एक्स स्केयर 25 है तो एक्स कि आएगा 25 का अंडर रूट, स्केयर इधर आके स्केयर रूट हो जाता, नाल केड़ा साइन आएगा प्लस माइनस। मेरे को आ जाएगा प्लस माइनस 25 का स्केयर रूट कि होंगे 5। हूँ देखो एक्स है नैचुरल नंबर, नैचुरल नंबर पॉजिटिव होंगे वन तो शुरू होंगे है, पर इतने एक्स की वैल्यू एक प्लस आँदी भी एक माइनस आँदी भी है, असी माइनस वाली वैल्यू निगलैक्ट कर देंगे लिखांगे। बट एक्स किनू बिलोंग करता पे क्योंकि एक्स नैचुरल नंबर है। जे एक्स नैचुरल नंबर है एदा मतलब की हो गया, एक्स नैचुरल नंबर होने का मतलब हो गया कि जरा एक्स होएगा वह फिर किदे इक्वल होएगा 5 दे इक्वल, माइनस 5 नू असी निगलैक्ट कर देंगे। एदा मतलब है कि साडा आंसर की आएगा, ए इज इक्वल टू की आ गया 5, उन्हों असी करली ब्रैकेट च लिख लेंगे। ठीक है, यह मेरा आंसर है। हूँ सैकेंड पार्ट है, सैकेंड पार्ट इधर देखते हैं। सैकेंड पार्ट की दिता है मेरे को एक बी सैट है, बी सैट कि है मेरे को एक्स बिलोंगस टू नैचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल टू 4, मॉड ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल टू 4। एक मैं फॉर्मूला लिखा लग गया वा, और बच्चों ने कॉपियां से नोट कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला है की है मेरे को है मॉड ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल्स टू, लैस दैन इक्वल्स टू, इन बोलन का टंग देख लेना, लैस दैन इक्वल्स टू एल। एदा फॉर्मूला है माइनस एल लैस दैन इक्वल्स टू एक्स लैस दैन इक्वल्स टू एल, यह फॉर्मूला होंगे। हूँ दसदा मैं तुम, मान लो मेरे को है मोड ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल टू 3 है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है की लगेगा मेरे को माइनस 3 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल्स टू 3। एदा मतलब है कि मेरी एक्स की वैल्यू माइनस 3 तो लैके 3 के विचकार जी मर्जी हो सकती है, माइनस 3 तो 3 भी हो सकती है, इक्वलिटी का साइन नाल लगे है। एदा मीनिंग होंगे लैस दैन इक्वल्स टू, एदा मतलब होंगे कि एक्स की वैल्यू 3 या 3 तो छोटी हैगी है, 3 भी हो सकती, इक्वल का साइन ए इक्वल का होंगे, एक होंगे लैस दैन तो एक होंगे लैस दैन और इक्वल्स टू। एदा मीनिंग होंगे सिर्फ लैस दैन, एदा मीनिंग होंगे लैस दैन या फिर इक्वल भी हो सकता है। हूँ जी एग्जाम्पल तुम मैं करा लगे ये फॉर्मूला लगना है, मैं इनू लेके चलागा मोड ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल्स टू 4। तो जो मैं फॉर्मूला लगावा की बनेगा माइनस 4 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल्स टू कि आएगा 4। एदा मतलब है कि एक्स की वैल्यू माइनस 4 तो लैके 4 के विचकार या माइनस 4 तो 4 भी हो सकती हैगी है, या विचकार जिहड़ी मर्जी वैल्यू हो सकती है एक्स की, पर एक्स हैगा की है एक्स बिलोंगस टू नैचुरल नंबर, ए बिलोंगस टू है,
एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब है कि एक्स नेचुरल नंबर है, असी लिखांगे बट एक्स किन्ना है मेरे को नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होंगे एक तो शुरू होंगे है। इतने कहते पे हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस चार तो लैके चार तक हो सकती है, पर असी कहते पे कि जो एक्स नैचुरल नंबर है यदा मीनिंग एक्स नैचुरल नंबर है तो एक तो लैके जावे फिर चार तक ही जावे, माइनस वाली वैल्यूज असी सारिया छड़ देंगे, ठीक है माइनस वाली, क्योंकि एक्स बिलोंगस टू एन का मतलब है कि एक्स नैचुरल नंबर है तो नैचुरल नंबर एक तो शुरू होंगे है तो जाने कितों तक असी चार तक, क्योंकि लैस दैन इक्वल टू चार फोर का मतलब है कि असी फोर तक ही रहना है, यदा मतलब है कि एक्स की वैल्यू की आएगी वन तो शुरू होएगी, टू भी आएगी, थ्री भी आएगी तो फोर तक आएगी, माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि नैचुरल नंबर माइनस विच नहीं होंगे। यदा मतलब है कि मेरा फिर आंसर की आ गया बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लिखांगे वन टू थ्री ते फोर। एक एग्जाम्पल होर है ये नाल दी जिहड़ी तुहानू थर्ड है, ठीक है वो एग्जाम्पल की है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर कहड़े होंगे प्लस विच भी होंगे माइनस विच भी होंगे, एंड माइनस थ्री लैस दैन इक्वल्स टू एक्स लैस दैन सैवन, यदा मतलब होंगे कि एक्स की वैल्यू माइनस तीन हो सकती है, इक्वालिटी का साइन है, पर एक्स की वैल्यू सत्त नहीं हो सकती क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन नहीं है। एक्स की वैल्यू माइनस तीन तो लैके सत्त के विचकार असी जाना है इंटीजर लेने हैं पर सत्त नहीं लै सकते। हूँ जो सी पार्ट है सी पार्ट का मेरा आंसर की आएगा, सी पार्ट का मेरा आंसर आएगा एक्स की वैल्यू माइनस तीन तो शुरू करनी है, पहला माइनस तीन फिर माइनस दो फिर माइनस एक फिर जीरो फिर एक फिर दो तीन चार पाँच ते छे, सत्त नहीं लवेंगे क्योंकि सत्त नाल इत्थे इक्वालिटी का साइन नहीं है, जिद नाल इक्वालिटी का साइन होगे उन्हू लै लैंदा है, जिद नाल नहीं होगे उन्हू फिर छड़ देंदा है। इंटीजर कहड़े होंगे है इंटीजर माइनस तो शुरू होंगे है तो प्लस भी चलते हैं, माइनस वाले भी होंगे प्लस वाले भी होंगे, ठीक है यह एग्जाम्पल भी देख लेनी हैगी है। तीसरी हूँ सम देन गया वा रोस्टर फॉर्म वाले, और रोस्टर फॉर्म वाले सम कर लेने सारे, राइट द फॉलोइंग सैट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है यह टोटल पार्ट्स है साढ़े को नाइन पार्ट्स है, यह सारे बच्चों ने ट्राई करने है, ठीक है नाइन पार्ट्स तक है यह सारे बच्चों ने ट्राई करने हैं नाइन दे नाइन पार्ट्स, ठीक है सारे रोस्टर फॉर्म वाले है, यदा मैं कुछ हिंट देता वा जी तुम सम दिते ना थोड़ा जहा एक दो सम हिंट सुन लो। हूँ जिस तरह पहला है एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये तुम मैं पहला एग्जाम्पल भी कराई है, फैक्टर्स बनाने हैं फैक्टर्स बनाओ इक्वल टू जीरो लैके चलो एक्स दिनिया भी वैल्यूज आन गया उन्होंने करली ब्रैकेट लिख लो तो उही आंसर, ये भी फैक्टर बनाने हैं फैक्टर बना के इक्वल टू जीरो लैके चलो जो भी आएगा वो आंसर है, ऐसे ही ये भी फैक्टर बनाने हैं, यह तीन सम सेम है जिन्हें फैक्टर्स बना के इक्वल टू जीरो लैके चलो वो आंसर है। यदा है एक्सरसाइज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कह रहे होंगे प्राइम नंबर टू तो शुरू होंगे है, ठीक है वो नंबरस विच हैव ओनली टू डिवाइजरस नंबर इटसैल्फ एंड वन, जिन्हें सिर्फ दो ही डिवाइजर हो, एक तो वन होएगा एक नंबर खुद आप ही होएगा, ठीक है जेडे किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं होंगे, प्राइम नंबरस लेने हैं सिक्स से लैके थर्टी के विचकार जिन्हें भी प्राइम नंबरस है सारे तो ही करली ब्रैकेट के लिख देने हैं, नैचुरल नंबर है सिक्स तो लैके थर्टी के विचकार जिन्हें भी प्राइम नंबरस होंगे, जिस हम सिक्स तो बाद क्या नंबर है सैवन क्योंकि सैवन किसी भी टेबल के नाल डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है तो वह सारे लिख दो थर्टी तक जाना थर्टी तो थले थले रहना है जिहड़े भी नंबरस होंगे लिख देना। टू एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू फिफ्टी इन सोल्व कर लो, प्लस इलेवन उधर जाके माइनस करा दो बाद टू नाल डिवाइड कर दो जो आएगा उन्होंने करली ब्रैकेट लिख दो आंसर है। असी वो वाले वॉवल्स लेने हैं जेहे जी तो पहला पहला होंगे इंग्लिश अल्फाबैट्स करली ब्रैकेट लिख दो, जी तो पहला पहला जिन्हें भी वॉवल्स है वो सारे लिख दो करली ब्रैकेट, रोस्टर फॉर्म यही है। अगला है असी वो वाले टू डिजिट नैचुरल नंबरस लेने हैं, यह ध्यान समझना है टू डिजिट नंबर कितों शुरू होंगे टेन तो लैके नाइनटी नाइन तक सारे टू डिजिट नंबरस है, पर असी वो वाले टू डिजिट नंबरस लेने हैं जिन्हों के सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज एट, जिन्हों के डिजिट्स का सम एट होएगा, डिजिट्स का सम सम ऑफ द डिजिट्स इज एट। एक तुम मैं बोलता वा एक मेरा नंबर है ट्वेंटी सिक्स, क्यों है ट्वेंटी सिक्स क्योंकि जे मैं टू तो सिक्स न प्लस कराँगा एट आएगा, इस लाइन का मतलब यह है सम ऑफ इट्स डिजिट्स डिजिट्स इज एट का मतलब है कि जे दो डिजिट्स है इन्हों का सम एट बनना चाहिए, असी वो नंबरस लेने हैं टू डिजिट नंबर, जिस तरह एक ट्वेंटी सिक्स है यदा एक उल्टा नंबर ले लाँगे सिक्सटी टू क्योंकि सिक्स प्लस टू भी एट आएगा, ऐसा दो नंबरस तो मैं लिख लेते ट्वेंटी सिक्स से सिक्सटी टू बाकी तुम खुद लवने है, असी टू डिजिट नंबर लेने हैं जिन्हों के डिजिट्स का सम एट होएगा।
अगला गया एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिन्हों का स्केयर जरा होएगा और लेस दैन 40 होएगा, असी वो नंबर्स लेने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव लेने हैं ना नैगेटिव नहीं लेने क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होंगे नैगेटिव भी होंगे, पर असी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिन्हों का स्केयर लैस दैन 40, जिन्हों का स्केयर 40 तो छोटा है। एक मैं दस दिता वा जिस तरह वन लवेंगे वन का स्केयर कितना आएगा, जिस तरह हम मैं सब तो पहला मेरे को लगी कंडीशन एक्स स्केयर लैस दैन 40, जे मैं एक्स की जगह वन लेके चल पा वन का स्केयर 40 तो छोटा होंगे, ठीक है। जे मैं टू लेके चल पा टू का स्केयर भी 40 तो छोटा होंगे, एदा मीनिंग एक नंबर मेरा वन आ गया टू भी आ गया। जे मैं थ्री लेके चला थ्री का स्केयर भी 40 तो छोटा होंगे क्योंकि थ्री का स्केयर 9 होंगे, तीजा नंबर थ्री भी आ गया। ऐसे फोर लेके चल पा फोर का स्केयर भी 40 तो छोटा होंगे, अगला नंबर मेरे को फोर भी आ गया। ये सारे तुझे लिखने है, फिर मैं फाइव लेके चलांगा फाइव स्केयर लैस दैन 40 क्योंकि फाइव का स्केयर भी 40 तो छोटा होंगे, फाइव भी आ गया। सिक्स का स्केयर भी 40 तो छोटा होंगे, सिक्स भी आएगा। सैवन का स्केयर 40 तो छोटा नहीं होंगे क्योंकि सैवन का स्केयर कि 49, वह 40 तो छोटा नहीं होंगे, एदा मीनिंग मैं सैवन ही लिखागा, एदा मीनिंग मेरे को सारा सैट बनेगा। करली ब्रैकेट लिख देना है, पर लिखना भी है सारा वन स्केयर लैस दैन 40, टू स्केयर लैस दैन 40, थ्री स्केयर, पर जरा सैवन स्केयर है और डज नॉट, ठीक है, लैस दैन 40, 40 तो छोटा नहीं है, इज नॉट लैस दैन 40, सैवन स्केयर इज नॉट लैस दैन 40, एदा मीनिंग सैवन नहीं आएगा। अस सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब जे असं नंबर वरतते पे एक्स दीगा पहला वन वरत्या फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स। लास्ट की है मेरे को द सैट ऑफ आल लैटर इन द वर्ड बैटर, बैटर के जिन्हें भी लैटर आते पे अल्फाबैट्स आते पे सारे लिख दो, बैटर के भी जिन्हें भी अल्फाबैट्स आते पे सारे लिख दो, पर कोई भी जरा अल्फाबैट है रिपीट नहीं करना क्योंकि डेफिनेशन यही होंगी सैट्स के अंदर, कोई भी रेपीटेशन नहीं होंगी किसी भी एलीमेंट की, कि आते पे है बी कौमा ई कौमा आर कौमा टी, ई वैसे दो बारी आता पे पर इसी एक बारी लिखांगे, एदा मीनिंग एदा आंसर की बनेगा रफ या मैं लिखन लगे वा बी ई आर ते टी, इन्हों करली ब्रैकेट लिख देंगे, बस ये आंसर है, ये कोई सोल्व नहीं करना पैना, ठीक है। सैट्स के अंदर कोई भी एलीमेंट रिपीट नहीं होंगे, टी दो बारी आता पर असी एक बारी लिखना है, ठीक है। सैट की डेफिनेशन के भी तुम्हें वैल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट का मतलब है कोई भी सैट के अंदर एलीमेंट कभी रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। यह बच्चों ने सारे समय ट्राई कर लेने फिर कॉपीज़ के उपर, तुहानू हिंट सारे का दे दिता है। नैक्सट टाइम जो असी करांगे अगले लैक्चर के फॉर्म करावांगा सैट बिल्डर फॉर्म, डेफिनेशन कराती तुम सैट बिल्डर फॉर्म की, पर एग्जाम्पल कोई नहीं कराई वे सम भी देवे, अगली बारी सैट बिल्डर फॉर्म करा, अज असी की रोस्टर फॉर्म तो एग्जाम्पल सम दिते तुम्हें करन, नैक्सट टाइम असी करा सैट बिल्डर फॉर्म तो सम भी देवांगा।